ये चारों बच्चे आपके ही हैं? हाँ मेरे बच्चे हैं। क्या खाकर पैदा किया था इन्हें? क्या खाकर पैदा करा, आप क्या कहूँ? जब ये बड़ा वाला पैदा हुआ तो मुर्गा खाया था, तब चढ़ा मैं इनके अम्मी पे, और जब ये पैदा हुआ तो पाए खाए थे, इसकी वारी पर खाई थी मैंने घी चटनी रोटी, और जब ये पैदा हुआ था तो रात का बचा हुआ मछलियों का सालन। होल्ड योर लैंग्वेज। हाँ हाँ नॉर्मली हुए चारों। होल्ड योर लैंग्वेज। अरे तुम्हें पता बच्चा पैदा हुआ तो पैसे जमा ही है, देखो 500 रुपए गए दाई को। अरे तुम पागल तो ना हो, अनपढ़ आदमी के सामने इंग्लिश बोल रहे हो। उस दिन डीएम सर आए ना तो भिच्ची लग गई। अपने बच्चों को लेकर आप सीरियस हो या नहीं? हाँ सीरियस हूँ, अब तो कुछ ज्यादा ही हूँ। खैर आपको पता भी आपके बच्चे कौन सी क्लास में हैं? कौन सी क्लास में तुम्हें ये नहीं पता है? अबे तुम काहे के प्रिंसिपल हो भाई, और बताइए मैं कौन सी क्लास में हूँ? रूम नंबर 14 में, चार भाई एक साथ, सब में पीछे वाली सीट पे। हाँ देखिए तुमसे ज्यादा जाना है मेरे बालक। आपके बच्चों को कुछ आता भी है या नहीं? इन्हें कुछ आता है नहीं, पहाड़े याद है इनके। बस पहाड़े? बस पहाड़े ऐसी याद हो रहे हैं पहाड़े? 3,000 रुपए ले गए नैनीताल, पहाड़ों पे याद कर गए पहाड़े। आपके बच्चों की ऐसी हरकत है मैं आपको बता नहीं सकता। तो फिर क्यों बुलाया मुझे? कद्दू के लिए बुलाया? वहां मैं बाल काट रहा था, यहाँ तुम मेरा दिमाग काट रहे हो। आप चलो मेरे साथ, मैं इनकी हरकतें दिखाता हूँ। देखो अपने बच्चों की करतूत, ये गेट पर क्या क्या लिख रखा है। अरे मैं कोई पढ़ा लिखा हूँ? तुम ही बता दो क्या लिखा हुआ। अगर किसी को इंग्लिश वाली मैडम को सेट करना हो ना तो इस नंबर पर संपर्क करें। ये आला नंबर फीड कर दियो, मुझे जरूरत पड़ती रहा। इनकी अम्मी चली जा रहे हैं ना, बहुत दिन में आ रहे। और नीचे वाली बात तो मैं बता भी नहीं सकता कि क्या लिखा है, किसने लिखी है ये बात, पढ़ के बताओ। के रंग गोरा काले बाल है, इंग्लिश वाली मैडम वाह क्या माल है, चाल गजब होठ लाल है, और मेरी जान ओए हमें चलने का क्या ख्याल है। अरे वही वाह मजा आ गया भाई, तू शायर बता ही नहीं तूने भाई। और यही नहीं, अगले गेट पर देखो क्या क्या लिखा है। वाह भाई वाह, लेखक बाय बिट्टू डॉन। कौन सा तुम में से डॉन, जल्दी बता क्या लिखा। गोल गोल चेहरा है और मित्र गांठ थोड़ी भारी है, और इंग्लिश वाली मैडम की चार बार मारी है। अरे वही वाह वही वाह, बहुत बढ़िया शायरी है ये तो, इससे भी बढ़िया भाई। लेखक बाय आंसू डॉन, तूने क्या लिखा। मैडम तेरे मीठे मीठे बोल, तेरा फिगर गोल मटोल बड़ा अनमोल, तैयार है हम कब से, तू तो बस नाड़ा खोल। अरे भाई बेहतरीन भाई, क्लासिक समा बांध दिया भाई, मजा आ गया इसमें तो। और रिंकू, कि मैडम तेरा नाम लिखता हूँ मिटाता हूँ, दिल है बहुत जख्मी, कि मैडम तेरा नाम लिखता हूँ मिटाता हूँ, दिल है बहुत जख्मी, और रखता हूँ जेब में कंडम, क्या पता कब कह दे तू फकमी फकमी फकमी। वाह तुम मजा आ गया भाई, मजा आ गया, क्या शायरी सुनाई है भाई, चारों ने दिल जीत लिया। ऐसा टैलेंट छुपाए पड़े हो बताया नहीं तुमने। जब इंग्लिश वाली मैडम की इतनी तारीफ हो रही है तो एक शायरी मैं भी अर्ज करना चाहूंगा, कि एक बार इन बच्चों की दिल की प्यास बुझा के देख लो, कि एक बार इन बच्चों की दिल की प्यास बुझा के देख लो, लिए होंगे अब तक इस मैडम ने चोबे, एक बार हमारी भी गुलमेख छुपा के देख लो। एक तो तुम इन्हें मारने से गए, ऊपर से इनकी तारीफ कर रहे हो। इन्हें मारना भी है क्या? अबे अबे मारने की तो बात है ना, 200 रुपए मार रहा है, टैंकिया पकड़ के बाथरूम में फेंक दूंगा। आज तक हमारे सगे बाप ने हम पे हाथ में उठाया, ये साला कांड हमें मारिया। खड़े हो, ये लो सर सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत ना है, इतनी अच्छी शायरी भी नहीं लिखी हमने, क्यों भाई हो? शट अप, ये तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं, तुम्हारी टीसी है, अब तुम्हारा नाम जब जुड़ेगा जब तुम अपने असली बाप को बुला के लाओगे। गेट आउट। भाइयों 9 बजे से बादल है, 12 बजे से है बरसात, और 3 बजे से तूफान। 9 तो बज गए, कहाँ है बादल, किस कदर तड़ाके की धूप निकल रही है यार, खाम का झूठ बोल रहा हूँ कि मौसम खराब है बादल खराब है। अबे मैं यूं कह रहा हूँ, 9 बजे से बॉबी देओल की बादल फिल्म का शो है हसनपुर में, और 12 बजे से है बरसात,
और 3 बजे शायद तूफान। अबे तो यार चल रहे हैं ना वहाँ, कोई टाइम भी कट जाएगा, अपना मक्का के दाने लेकर चल रहे हैं। चलो तो हनीमून बनाने आई है, मुंडे देख रहे आइए। ए सोना मुंडा था मैं गुंडा, ए किधर गया है, देखा डर गया, जानता नहीं मैनू। रहने दो रहने दो, आप क्या, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। की जान दी है मुझे, जान दी है। अरे यार लाइट किन्ने जला दी यार, पूरी फिल्म की ऐसे ऐसे कर दी यार। बस नारे सुनाई आऊं ना हूं बता। पर रिंकू भाई देख के यार कोने बह लेगा ना, अभी जाता हूं इस पे फिर गाऊं। मैं दिखाऊंगा तुम्हें पिक्चर। ओबे जल्दी भागो, प्रिंसिपल सर आ गया। और प्रिंसिपल, ओबे बच गए। अगर प्रिंसिपल पकड़ लेता तोड़ के डाल देता दोनों भाइयों को। तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो स्कूल की ड्रेस में? पिक्चर हॉल से आ रहा है फिल्म देख के। जालो तुम्हें तुम्हारे पापा 2 रुपए देते नहीं है, तो पिक्चर देखने के पैसे कहाँ से आए तुम पे? हम बिनोमो पे ट्रेडिंग करके पैसा कमाते हैं। बिनोमो ये क्या है, नाम तो बहुत तगड़ा है यार। बिनोमो एक ट्रस्टेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जो रोज तुम्हें 1000 रुपए कमाने में तुम्हारी हेल्प करेगा, और कमाए हुए पैसे को आप बैंक UPI फोन पे QR कोड से जब चाहो जितना चाहो विड्रॉल कर सकते हो, और इसमें डिपॉजिट करना बहुत ईजी है। UPI फोन पे पेटीएम से डिपॉजिट कर सकते हो। मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपए है। अगर तुम 2000 रुपए डिपॉजिट करोगे तो हर ट्रांजेक्शन पे तुम्हें लगभग 1600 रुपए का फायदा होगा, यानी कि हर तरफ से फायदा ही फायदा है। वाह 1000 रुपए रोज? यही नहीं, इससे ज्यादा भी कमा सकते हो। देखो इसके बारे में सबको पता है इसलिए मैं भी बता रहा हूँ। ये एक रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ ट्रेडिंग की दुनिया में तुम डूब सकते हो। बिनोमो के साथ इंट्रैक्शन करने का एक्सपीरियंस भी पा सकते हो, जिससे हर ट्रांजेक्शन पे तुम्हें 90% का प्रॉफिट होगा। ये बताओ इसका लिंक कहाँ से मिलेगा, डाउनलोड कैसे करूँ? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है, जाओ और ट्रेडिंग करो बिनोमो पे और पैसा कमाओ। अब हम भी ट्रेडिंग करेंगे, छापेंगे पैसा। हाँ जल्दी छापो, आओ यार। अबे यार इतनी तेज बोल के डाल रहे हो तुम, मैं पहले बता रही हूँ आउट ना देने का हूँ। अबे यार तू भी तो ऐसे खराब है तेज, हम तो कुछ ना कहते। अरे तू टुल्ला मार खूब तेज, ये भी तो ऐसे डाला है। ओए अब मैं खेलूंगा, बहुत टाइम से ना खेलो यार, पूरा और खत्म होने वाला। चल ले एक गेंद ले। आउट, आउट हो गया। आ हाँ स्कूल ना गए, तुम्हारे पापा से कहूंगा यहाँ खेल ले। हो अभी जा रही। हमारे बाबा से कहेगा तेरी गांव पर मैं सजाऊंगा। ब्लैक बोर्ड पर हम चारों का नाम लिखेगा गांडू। मॉनिटर बनेगा तेरी का, मॉनिटर काटू। आवे इंस्पेक्टर साहब हमने तो कुछ भी ना करा, हम तो बेकसूर है क्यों लाए हो? अच्छा तुम चारों के फोटो हो मेरे पास। दरोगा साहब नमस्कार, आप कौन? अरे बदकिस्मती से मैं इनका बाप हूँ। क्यों? अरे लड़के चक्कर में हो गए थे ना ये। बैठो। अरे दरोगा साहब क्या बात हो गई ऐसी जो तुम मेरे बच्चों को थाने में ले आए? आपको पता भी है आपके लड़के बिना मुझे लेकर आया, मैं यहाँ को हमारा तो कोई कसूर भी ना। बे दरोगा साहब हुआ क्या ये बताओ। अरे आपके लड़के आपके लड़कों ने स्कूल के एक लड़के को बहुत मारा। क्यों? आपको पता भी है आपके बच्चे स्कूल जाने के बहाने बंक मार के रास्ते में खिलाड़ियां करते हैं, गुल्ला मारते हैं ये। इन्हें तो मैं घर जाके बताऊंगा, अब तो तुम ले जाओ कुछ काम कर लो। शट अप, मैं कोई रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ। इनका तो मैं चालान करूंगा। चालान होगा? किस बात का चालान होगा, 10 दिन हो गए भाई कुछ हो गए, ये हमारा चालान काटेंगे। वाहन का क्या मैटर है, इसमें वाहन का तो कोई मैटर ही नहीं है यार, खामी का चालान काटोगे ना। चालान काटोगे किस बात पे तुम? हेलमेट पे काटोगे, ड्राइविंग लाइसेंस पे काटोगे, प्रदूषण पे काटोगे, या फिर तुम इंश्योरेंस पे काटोगे ना? काटोगे किस बात पे ये तो पता चल जाए कम से कम। एक्सक्यूज मी सर, आई एम प्रॉब्लम इन द बेल एंड नॉट प्रॉब्लम इन द लॉ एंड एडवोकेट कानून इन द बेस्ट पुलिस वाला एंड कचहरी हसनपुर रोड एंड डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर मुरादाबाद अमरोहा। पढ़ा लिखा हूँ, इतना कानून तो मैं भी जानता हूँ। सरकार ने पीली वर्दी वाले को चालान काटने का अधिकार नहीं दिया। मादर चोर जुबान चलाया जा रहा, हालांकि मैं हाथ देकर जुबान खींच लूंगा। पर तुम्हें पता भी है किस चालान की बात कर रहा हूँ मैं तुम्हें जेल भेजने वाले चालान की बात कर रहा हूँ। जेल में भेजो, वहां पर रोटी भी बहुत बुरी मिला है। जेल में भेजो भेजो, वहां पर तो सोने की जगह मिला। अच्छा काटा है इतने मोटे मोटे। मैं ना चुप हो तुम,
दरोगा साहब, इनकी 12वीं क्लास के एग्जाम है, इनकी जिंदगी का सवाल है। मैं सोच रहा हूँ पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे, कुछ ले दे कर लो। देखिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मामला एसपी साहब के यहाँ पहुँच चुका है। आप एक काम करो, 40,000 रुपये दे दो, मैं इनका बाहर से बाहर 151 में जमानत करवा दूंगा। भाई दरोगा साहब कैसी बावली बातें कर रहे हो, 40,000 रुपये? भाई ये तो बच्चा है अभी, इसके तो आधे लगेंगे। तुम बड़े हो, उम्र का लिहाज कर रहे हो, ये तो चार तुम्हारा भी खेस था। भाई ये रोडवेज है जो इसका आधा किराया लगेगा। भाई ये तो सबसे ज्यादा कूद कूद का मार रहा था तुम्हारा छोटा वाला। ठीक है करता हूँ। सुवरो, हमारे माँ बाप ने, हमारे दादा दादा ने, यहाँ तक कि हमारे खानदान ने किसी ने भी थाने का मुंह नहीं देखा, और आज तुम कमीनों की वजह से मुझे थाने का मुंह देखना पड़ गया। इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ी है मुझे। सुबह को बस्ता उठा के सीधा स्कूल पहुंच जाइयो, नहीं तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। पापा थोड़ी सी बदनामी हो रही है तुम्हारी। क्यों? स्कूल में नाम कटा पड़ा ना, तो प्रिंसिपल सर ने बुलाया। प्रिंसिपल साहब मैं इनका असली बाप हूँ, इनकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मेरे बच्चों को माफ कर दो, इनके करियर का सवाल है। डोंट वरी, लेकिन ये मेरी लास्ट वार्निंग है, आज के बाद इन्होंने कोई भी शैतानी करी तो दुनिया के कोई से भी स्कूल में इनका एडमिशन नहीं हो सकता, मैं इन्हें ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। ठीक है सर, आगे से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ओए सुमित आ गया, आओ। हाँ भाई, करवा दी जेल, लगवा दी फांसी। अबे बाप जिंदा हमारा, 151 में चलान होगी, 151 में। मेरी बोतल, बोतल दो। योरी बोतल ले। ओ ला 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 ला। ये साले साहब का फोन। जी साले साहब। अरे पायनो, आ रहा हूँ मैं आपके घर को। अरे तो आ जाओ यार, तुम्हारी घर है ये। मैं कह रही हूँ गाड़ी ले लिए, दो गाड़ी वाड़ी खड़ी करने की जगह है। कैसी बातें कर रहे हो साले साहब, दो बीघे में कोठी मार रखी है मैंने, कहीं भी खड़ी कर दो गाड़ी को, दो तीन प्लॉट हमने बाहर। अरे मैं इस मारा कह रही हूँ, नई गाड़ी है, कभी बच्चे बच्चे स्क्रेच मार दे। आ तो जाओ यार। चलो ठीक है, आ रही हूँ। बच्चो तुम्हारे मामा आ रहे हैं। भाई यार पापा कहाँ रह गए, मामू आए ना अभी तक। अरे आ रहे हैं बेटे, आ रहे हैं, कॉल करके पूछो। हेलो भाई कहाँ रह गए साले साहब। अरे आ रही हूँ, पार्किंग की जगह है ना। भाई आ तो जाओ पहले, पूरा एरिया खाली पड़ा है यार। आ रहे हैं। ओ ओ मामू आ गए। अबे मामू ना थे यार ये, मैं देखो इतनी छोटी गाड़ी कैसे हो सकती है उनपे, कोई बड़ी गाड़ी होगी यार। ओ बहन के ओले, हटे टिपनिया को, मेरा साल आ रहा कई साल बाद, यहाँ कोई बड़ी गाड़ी खड़ी होगी यहाँ पे। अरे जीजा जी मैं हूँ। मामू अब हाँ देखा, अंगूठी पहन रखी है, स्क्रेच लग जाएगी गाड़ी पे। भाई यार मामू खटारा गाड़ी है, इसको भी बड़ी चाट कर रख रहा हो तुम तो। गाड़ी नहीं है, बहू है मेरी। अरे तो मामू हम चारों भाइयों को एक एक राउंड निकलवा दो इसका। हट बाबले, साइड में लगवाओ उसे गाड़ी को। चले मामू अब घर को। ऐसे कैसे चलो, गाड़ी का कवर लाना भूल गया, तिरपाल है? तिरपाल तो ना है। जा बे जा, घर से बिस्तरे लेगा, इस पर ढकेंगे, बालक वालक स्क्रेच मार देंगे इस पर। चले अब। ऐसे कैसे, ये तो ढगा ही ना, यहाँ स्क्रेच मार दी तो बालकों ने। एक काम करो चार, तुम यहीं रहो देखभाल के लिए। जीजा जी चलो। जीजा जी ये बताओ गाड़ी कैसी है। गाड़ी जैसी तुम्हारी गाड़ी है ना, उससे अच्छी तो मेरी कटरा गाड़ी खड़ी है, कटरा ही कटरा है 60,000 रुपए का। पर तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी गाड़ी खुशी में मैंने पूरे गाँव में टूटवा दिए है, इतने की तुम्हारी गाड़ी नहीं है, जितने के मैंने टूटवा दिए हैं पूरे 50,000 रुपए के। तुम तो प्रधानी बना रहे हो। जीजा जी जब से हमने गाड़ी ली है ना, पूरा खानदान हमसे चलता, 30,000 रुपए की सिर्फ 3 साल की किस्तों में, वकील की थी फ्लैट पे खड़ी, बस कचहरी तक जाता था, हमारे हत्ते लग गई, हमने ले ली, चारों टायर A1 कंडीशन है। कंडीशन वो तो मुझे दिख रहा है, जैसे तुम्हारी गाड़ी के टायर नंगे है ना साले साहब, तुम इनसे बड़े नंगे हो। 30,000 रुपए की गाड़ी लेके ओडी का भरम बिठा रिया, चल चल नाश्ता कर ले। अबे यार मामू अंदर नाश्ता फाड़ लिया होगा और हम यहाँ खड़े चूतियों की तरह। हाँ यार टेंशन क्यों ले रहा हो,
चले क्या मामू की बहू का एक राउंड निकाल ले। चलो साले से पहले कह रहे हो नाबालिग से। अबे मुझे दे दे चाबी, अब ठोक दी इन्हें। मामू को क्या जवाब देंगे अब हम? जो चाबी लाया वो खुद जवाब देगा। बैठ गए लो, तुम ना बैठो उसमें, तुमने सवारी ना खाई है। लो अब इनकी ऐड सुनो। हाँ, मेरे कलेजे के टुकड़े की तुमने मां चोद दी जलीलो। सुवरों तुम्हारे कीड़े पड़े, ऊपर से नीचे तक बाल आ गए, मगर तुम्हें अकल नहीं आई। मेरी गांड के बाल सफेद हो गए इसे लेने में। अबे इससे अच्छा सऊदी को चले जाओ, यहाँ से सकल को लेके कब तक अपने बाप की थाली की खाओगे। साले साहब तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये लौंडिया क्रोध मुझे भगा रहे हैं, इन्हें अब सऊदी भेजता हूँ। पासपोर्ट बनवाओ तो हमारा, हम जाने चारों भैया सऊदी को। पासपोर्ट? और यू नाराज घर में सबसे बड़ा है, मैं तुम्हें समझा सकता बिल्कुल भी। सुबह को डॉक्यूमेंट लेके साइबर कैफे पहुंच जाओ, पासपोर्ट अप्लाई करने लिए। ठीक है। अरे खोल लिया यार, थप्पड़ मार दूंगा घुमा के जहां तक कर रहा। है भाई, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा था। पासपोर्ट कहां गया? पुलिस की ड्रेस में और रैंक कितना रिया? अबे पासपोर्ट आ गए, पासपोर्ट जल्दी आओ। पासपोर्ट लाओ जल्दी, तो हमें निकलना भी है यार। तुम्हारा पासपोर्ट नहीं बनने का भाई। क्यों क्यों ना बनने का पासपोर्ट हमारा? भाई अपराधियों के पासपोर्ट बनते होंगे। अपराध? कौन सा अपराध करा हमने? तुम्हारी लेने से कैसे? अबे 307 लगी हुई है तुम पे, कितना भी जोर लगा लियो पासपोर्ट नहीं बनने का। कोई बात ना, मत बनवाओ, हम भी तुम्हें सऊदी जाके दिखाएंगे। ऐसी बात है तो देखो भाई, अब जाना हर हाल में सऊदी। मामू की बात दिल पे लगी है, दिल पे। मेरा एक दोस्त गया अवान, जब वो यहाँ रह कर आया ना तो इतना काला था ये लगा लो उल्टा तबाह। सऊदी पहुंचते ही ऐसा हो गया अंग्रेज गोरा, कुछ काम ना आवा। बस मैडम को स्कूल छोड़ कर ना पूरे दिन ठाली रहो मर्सिडीज गाड़ पे। अगर हम सऊदी चले गए ना तो हमारे दिल अद्दन निकल जाएंगे। मामू जो हमें 30,000 रुपए की गाड़ी लाकर हमारी गाड़ दिला दिया था। 30 लाख की लाएंगे हम, 30 लाख की। हाँ यार जल्दी से सऊदी चलो, मैं गोरा होना चाहता हूँ वहां जाके। वीजा कंसल्टेंट, विदेश जाने के लिए संपर्क करें और इससे मिलते हैं। चलो। ओ, तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है, सऊदी अरब भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। वहाँ की 4 करोड़ की आबादी है, वहाँ तुम्हारा अता पता भी नहीं चलने का। कौन देख रहा है तुम्हारा पासपोर्ट? पासपोर्ट तुम एक काम करो, मुझे तुम पैसे दो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ तुम्हारा वहाँ भिजवाने का। जब तुम वहाँ पैसे कमा लो ना, जब तुम घर आना हो एक बार मुझसे कॉन्टैक्ट कर लियो, आराम से घर बुलवा लूँगा। हाँ हाँ ठीक है ओके कर दो ओके। पापा अब पासपोर्ट की जरूरत ना हमें, हमारी एजेंट से बात हो गई है। बे तुम पागल हो गए हो, बिना पासपोर्ट के तुम फंस जाओगे। अरे कहने की बातें हैं, घोड़े की लाते हैं, तुम पैसे दो हम जा रहे हैं। अरे बेटा तुम्हें नहीं पता, ये एजेंट लोग बहुत बेकार होते हैं, यहाँ से ले जाते हैं वहाँ फंस देते हैं। अरे तुम्हें पता है कुछ? बहुत पहुंचा हुआ एजेंट है, बहुत ही ज्यादा मालदार है, तमाम आदमियों को सऊदी भेज चुका है। बताइए मैंने उनके साथ शेखों के साथ फोटो देखे, गले में हाथ यूं करके डाल लगा जैसे यार हो, और घोड़ों के साथ और उसके शेरों के साथ। कैसे पापा हो तुम? बेटों की हाँ में हाँ नहीं है, बेटे की खुशी में खुशी नहीं है यार। चलो तो फिर अगर तुम जाना चाहो तो जाओ, पर अपने एजेंट से कह देना अगर नन्हे के बच्चों कुछ हो गया ना तो साले की नन्ही नन्ही बोटी काट दूंगा। अरे पापा पापा चलो ही चलो। अबे अबे इसमें यंग है यार, हम जरा सारी नाऊ में। हमें पासपोर्ट की फिक्र नहीं है, इन भाई सबको हमारी जान की फिक्र नहीं है। तुम्हें पता कितनी कीमती हमारी जान? ना तुम्हें पता है कितनी कीमती हमारी जान? मेरा बेटा है इसमें फलान, मैं ना जाऊंगा भैया। वो तो पासपोर्ट नहीं है बना हुआ, अगर पासपोर्ट होता तो खुद के प्राइवेट जेट में जाते। जाना जाओ वरना मत जाओ। अरे भाई साहब बिठवाओ, चल बे चल बैग उठा चलो।
टिंकू भैया, नाव में हम 10 जने थे, बाकी के 8 कहाँ हैं? उसमें से 2 हमारे भाई थे। हमें ना पता भाई, तुम सिर्फ 2 आदमी आए थे, तुम्हें 1 आदमी छोड़कर गया था यहाँ पर। यार टिंकू, अपने दोनों भाई किस हालत में होंगे? वो दोनों बड़ा लोगों में बचपन से जानता हूँ, कितना रामी है वो, हमारी कमाई खाना चाह रहे हैं, हमें छोड़कर घर चले गए। मैं दूंगा उन्हें रियाल। जग्गा वड्डिया बोर्ड दी शामे, जग्गा वड्डिया। हाँ हाँ जी जनाब। ये कौन सी जगह है? ए वीर जी, अपना लेंदा पंजाब। पंजाब? अबे ले, हम इंडिया से अभी बाहर नहीं निकले, अभी पंजाब में ही है। आवी रे, मक्के दी रोटी सरसों दा साग मारती है। ओ चाचा, मक्के दी रोटी सरसों दा साग लाओ। भाई आइटम नहीं है अपने पास। तो फिर क्या है? कोरमा है, नली है, पाया है, भेजा है। अबे ये कौन सा पंजाब है? क्या क्या खाए जाने लगा यहाँ? हाँ यार, मुझे भी शक हो रहा, ये कैसे पंजाबी हैं? कुर्ता पजामा पहने हुए हैं पर पगड़ी पहने हुए नहीं है, और होटल पे बिरयानी सिरयानी है, क्या क्या मिल गया है? कहीं यार हम पंजाब के मुस्लिम क्षेत्र में तो ना है, मलेरकोटला या फिरोजपुर में? यार सही कह रहा, मुझे भी शक हो रहा, आ किसी से पूछते हैं। चलो भाई साहब, ये कौन सी जगह है? असी कौन? हम वो है जिनकी 3 दिन पहले कश्ती डूब गई थी। अच्छा, हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कम था, जहाँ कश्ती डूबी पानी खत्म हो गया, उन्होंने मकसद है कि पानी खत्म हो गया। चूचे 20, 61, 62, 64, 69, 62, 63, 64, 65, 66, 100 तक। मैं जट्टी यमला पगला दीवाना, मेरे दिल को तूने क्या जाना, होनेगा मेरा दिल पागल होके बेचैन मोहब्बत का है दीवाना। गोरे गोरे गाल, काले काले बाल, गोरे गोरे गालों पे मर गई, मैंने क्रीम लगाया तो मुझसे डर गई, उन्हें तो मकसद है कि मैंने प्यार किया तेरे खातिर, मैं मर गया तेरे खातिर। मैं जट्टी यमुला पगला दीवाना, ओहो के तूने क्यों ना मुझे पहचाना, हो हो के काले काले बाल ये जाना, ओ तेरी मोहब्बत में मैंने ये गाया था ये गाना, ओ हो हो मेरे दिल में है एहसास दिलाना। ओल्ड अवेश नेवलेश ओल्ड अवेश लेवलेश ओल्ड अवेश लोलेवेश। अबे पाकिस्तान में आ गए, तुझे कैसे पता? ये जट साहब है पाकिस्तानी जो वीडियो बनाते हैं। ओबे हाँ, सही कह रिया। अबे यार, हम पर पासपोर्ट नहीं है, वीजा नहीं है, घर कैसे जाएंगे अब? हम फंस गए यार, हम आह कोई जुगाड़ फंसते हैं। चल बुल्ला, 40 साल हो चुके हैं, ना हम आजाद हैं ना हमारा वतन, लेकिन इस साल अपना हक हम लेकर रहेंगे। क्यों? ठीक कहा ना मैंने? बुल्ला बुल्ला, बहन के लड़के क्या नहीं सुनता? वो कहां सारे के सारे? तमीज नाम की बिल्कुल चीज नहीं है, कोई कराची गया हुआ है हलीम खान है, कोई बिरयानी खाने गया हुआ है, कोई अपनी पुप्पो के लड़के की शादी में गया हुआ है, पीपीटी तोड़ी हो रहा है, पपैया हो रहा है, कोई भी आके बजा देता है। अटेंशन, अबे अटेंशन, सीधा खड़ा हो। तुमको पता है मेरे ऊपर कितना प्रेशर है? पता है कुछ? एक बात बताओ मुझे, पाकिस्तान तुम्हारा नहीं, कश्मीर तुम्हारा नहीं, सऊदी में तुम्हारे गाल कुत्ते नहीं मार रहे, इंडिया वाले तुम लोगों से नफरत करते हैं, चाइना में तुम्हें चिंपू चिंपू करके भगा दिया। एक बात बताओ, हम जंगल में रह रहे हैं, सेटिंग हो कहां से रही है? मेरे चाचा अमरेश पुरी सालों पहले कहकर मर चुके हैं कि आतंकवादी की कोई प्रेम कहानी नहीं होती। लेकिन तुम फिर भी लौंडियाबाजी कर रहे हो, बहन के लड़ो तुम्हें शर्म ना आ रही? आतंकवादी थोड़ी हो रहे हो, रंडी बाज हो रहे हो। मोनू डबे, हेलो, तुमको शर्म नहीं आता ऐसे गैर मेहरम से बात करते हुए? तुम्हारे घर में कोई काम धंधा नहीं है क्या? तुम जवान लड़की होकर
तुम्हारी अम्मी तुमको फोन कैसे दे देती हैं? ये बच्चे एक मिशन को अंजाम देने जा रहे हैं, छोटे से छेद के चक्कर में तुम इनको गुमराह कर रही हो। तू बोल कौन दिया? पीपीटी का अध्यक्ष आका गुल्ला। तेरी बाड़ा में गुल्ला तू हो तो कौन है? हम दोनों के बीच में बोलने वाला है? आऊं थपड़ाऊं जाऊं भी थाने लगवाऊं केस? चल फोन काट। इसकी कोई बाजी उजी है क्या बड़ी? हो तो बात करो। आसमान से गिरे खजूर में अटके यहाँ पे हम परेशान हो रहे हैं, घर पिताजी परेशान हो रहे होंगे। क्या हुआ जनाब, मुझको आप परेशान लगते हो, मैं कुछ हेल्प करूँ आपकी दोस्त? तुमने हमें दोस्त कहा? हाँ मैंने आपको दोस्त कहा। कुछ मत बताना, यहाँ पे हम किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते। अरे बताओ तो भाई क्या हुआ? हम हिंदुस्तानी हैं, मेरा नाम टिंकू है, इनका नाम रिंकू है। हिंदुस्तानी? आप लोग यहाँ कैसे आए? हमारा सऊदी जाने का सपना था तो हमें थाने से परमिशन न मिली, हम पर केस था, पासपोर्ट न बना हमारा, तो हम इल्लीगल तरीके से जाना चाह रहे थे, हमारी नाव पलट गई। जब हमारी आँख खुली तो हम किसी पाकिस्तानी हॉस्पिटल में थे। भाई जान आप टेंशन मत लो, मैं आपका 3 दिन में पासपोर्ट बनवा के आपको आपके घर पहुँचवा दूंगा हिंदुस्तान। मेरे को आप भूखे लगते हो, आओ मेरे साथ। शुक्रिया भाई, आओ कम हो जा। बैठो। मदरसे में लिया दिखाया भाई साहब हमें, मगर बच्चे दिखाई नहीं दे यार मदरसे के। आज जुम्मा है ना, छुट्टी है इसलिए आए ना होंगे। मदरसा नहीं है ये, ये थाना है। आप कौन हो? मैं पाकिस्तानी पुलिस वाला। बहन के लोड़े, तुझसे मना करी थी मैंने, यहाँ पे हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, मगर गांडू एक एक चीज बतानी पड़ा कि भाई साहब हमने यहाँ पे आगा था, यहाँ पे मुता। चलो चलो। ओए बैठो जनाब, मेरा आपसे भी बड़ा वाला प्रमोशन होने वाला है। वाकई? क्या बड़े वाले अफसर को गाल दे दई? नहीं, मैं हिंदुस्तानी जासूस पकड़ के लाया हूँ जनाब। सच में? जी जनाब। तुम इनकी जानकारी लेके आओ, मैं इनसे पूछताछ करता हूँ। जी जनाब, आप इनसे पूछताछ करो, मैं अभी आता हूँ। जनाब ये आपका टीवी कैसे फूटा हुआ? अब यार क्या बताऊँ, लास्ट टाइम वाला मैच ना होता इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो इंडिया जीत गई। ईमान से इस कदर झुंझलाई वो भर गला तुम्हारी टीवी में, दो टुकड़े कर दिए इसके। तो आप एक काम करो, मेरा नंबर लिख लो, आपके मुल्क में तो टीवी फूटते ही रहते हैं, हम खरीद लिया करेंगे। बातों में उलझा रहे हो, तुम ये बताओ कि तुम हमारे मुल्क क्या करने आए हो? मुंह फूट गया, बोलते क्यों नहीं हो? वो ऑफिसर साहब, मैं जो ना मुन्नी मुन्नी मुन्नीबाजी को छोड़ने आया हूँ। मुन्नीबाजी कौन? वो भाईजान ने छोड़ के गए थे, वो वापिस चली गई, मैं आया हूँ फिर छोड़ने। तो वो तो मुन्नी थी, अब बड़ी हो गई तो मुन्नी बाजी लगाना पड़ लिया। और तू क्या करने आया है? सीमा हैदर को जानो, भाभी है मेरी, उनका देवर हूँ मैं, चांदी का नाड़ा लेने आया मैं उनका, इसके साथ ना हूँ मैं कभी, इसके साथ समझो ये बड़ी है, हम सहबी हैं। सॉरी, माफी चाहते हैं हम आपसे, आप तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अजीज हैं, आप वहां जाके बैठिए, आपका चांदी का नाड़ा आने ही वाला है, इनकी चाय का भी इंतजाम करो। मुन्नी को लेकर आया है हमारे मुल्क में आके, हमसे ही झूठ बोलता है कुत्ते। जनाब मजा नहीं आ रहा, तबीयत खुश करो तबीयत। क्या हुआ चांदी के नाले का, कब आगा भाई? टाइम नहीं मुझ पे। लो ये रहा आपका चांदी का नाला। ये कहां से आ गया भाई? चांदी का नाड़ा, चांदी का नाड़ा, चांदी का नाड़ा। अयो ओए ओए आ ओए ओए नाड़ा ले गए। खबीस, सच बता क्या करने आया है तू हमारे मुल्क में? इंस्पेक्टर साहब, जो छोटे वाले पुलिस वाले उन्हें हमने सारी बात सच बता दी, हमारे पास पासपोर्ट भी देना था, हम कश्ती में बैठकर सऊदी को जा रहे थे, हमारी कश्ती डूब गई, फिर हमें पता नहीं लगा हम पाकिस्तान कैसे आए। तुम्हारी कश्ती समुद्र में डूबी और निकली पाकिस्तान के लाहौर में, कौन सा जासूस है तू? जनाब मैंने हिंदुस्तान एम्बेसी से बात की, उन्होंने बोला है हिंदुस्तान से पाकिस्तान कोई इंसान दाखिल नहीं हुआ, आपने जिन्हें पकड़ा है वो जरूर टेररिस्ट होंगे जो हिंदुस्तान को आतंकवाद से जोड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तानियों ने तो ये तक बोल दिया, उन्हें आप फांसी पे चढ़ा दो। झूठ बोलता है
इन्हें इस्लामाबाद जेल लेके चलो, इन्हें वहीं फांसी होगी। दरोगा साहब, हमें कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हें इस्लामाबाद जेल लेके जा रहे हैं, कल सुबह तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा। अरे दरोगा साहब, ये बात तो ठीक है तुम्हारी, मगर हमें उतारोगे कब? घर जाना है हमें, बहुत काम है यार। दरोगे, हमें छोड़ दे, नहीं तो तेरे सिपाहियों को मार देंगे। सलाख बन रहे हो? योगा, योगा कर रहे हैं दरोगा जी। कल तुम्हारी कम योगा हुई थी, जो आप कर रहे हो? शाहनवाज जी। हुजूर, मैं अभी फारिग होके आता हूँ, तुम इनसे कुछ खाने पीने को पूछ लो, वैसे भी इन्हें कल सुबह फांसी हो जाएगी। ठीक है। क्या खाओगे तुम? मैं तो चिप्स खाऊंगा। और तुम? मेरे लिए लाल मिर्च ला दियो पिसा हुई। क्या करोगे लाल मिर्च का? खाऊंगा, मैं तो खाता रहता हूँ। ये देखो मेरी आंखें भी लाल हो रही हैं, बहुत मजा आता है मुझे लाल मिर्च खाने में, जल्दी ला के दो। ठीक है, लाता हूँ। पानी मिलेगा? बहुत तेज प्यास लग रही है। ये तुम्हारे हाथ में हथकड़ी क्यों है? कोई जुर्म करके आए हो क्या? हम मुजरिम नहीं है, प्लीज हमारी मदद करो, किसी सेफ जगह लेके चलो, हम आपको सारी बात बता देंगे हम कौन हैं और कहां से आए हैं। ठीक है जनाब, ये तुम्हारा भाई इकबाल है तो आओ जल्दी चलो। अबे सालो, कहाँ ले गए उन्हें नहारी कोर में खिलवाने? जनाब वो भाग गए। भाग गए कैसे? आंखों में मिर्ची डाल के। अबे बहन के लो, तुम्हारी गांव में मिर्ची क्यों नहीं डाली उन्होंने? अबे सालो वो जासूस हैं, अगर उन्होंने हमारे मुल्क में कुछ कर दिया ना तो सारा इल्जाम हमारे सिर पर आएगा। उनको कैसे भी करके ढूंढो और सारे एरिया में उनके फोटो लगवा दो। ठीक है जनाब। बुल्ला टुल्ला गर्दुल्ला, आज हम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मिशन को अंजाम देने जा रहे हैं और उसको पूरा करेगा मेरे बचपन का बच्चा बुल्ला। अबे हमारा हुक्म न चलेगा? जब चल लिया होगा चल लिया होगा, अब न चलेगा? मेरी सेटिंग आ रही है मिलने, उससे मिलने जा रही हूँ मैं तो। इतना सा आया था तू, मैंने पाल पोछ के बड़ा करा, अपना संगठन बनाया, उसमें तुझे भर्ती करा बिना आधार कार्ड के, और आज तेरे पास सबसे ज्यादा इज्जत है, शोहरत है, वो कराची के अंदर पिक्चर रोल के पीछे 200 गज का प्लॉट दिलवाया और तूने मुझे धोखा दे दिया। कोई बात नहीं, मेरे पास मेरे दो हुड़हुड़ दबंग है। जी आका, क्या करना है मुझे? मेरा बच्चा पहली बार में ही मान गया। मेरे बच्चे, तुझे पड़ोसी मुल्क में जाके एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट करना है और हमारी जीत पक्की। जा इंडिया में, मैं ना करने गूं, मेरी खाला रहमे वहां पे, चाइना में करा लो। अबे यार वहां हमारी खाला रहमे है साली आफती, खुद पाए तो ऐसा कर रहे हो। ए भाई तू क्यों ना गया डेट पे? उसने मैसेज डाल दिया, उसका पेपर ना आज। मेरे जवानों, हमारे मुल्क में पीपीटी के आतंकवादी दाखिल हो चुके हैं। जनाब जनाब करने से कुछ नहीं होगा, हमारे मुल्क की आवाम अब हमारे जिम्मे है। पीपीटी इतना मजबूत होता जा रहा है कि ये समझ लो अब तो उनकी गाड़ियों में वाले होरन लगे पड़े हुई हुई वाले, और तीन चार तो प्लॉट लेके डाल दिए इतनी महंगाई में भी। और पहले तो गुलेलों से हमले कर रहे थे, गुलेलों से, और अब तो दबा दब फायरिंग कर रहे हैं। मेरे जवानों,
मुखबर के जरिए पता लगा है कि कल पीपीटी के आतंकवादी रावलपिंडी में हमला करेंगे, तो उनको हमें हर हाल में रोकना है। क्या तुम तैयार हो? जी जनाब। आओ मेरे साथ चलो। अगर वो दोनों ना भागते ना, तो आज हमारी बहुत ऊंची पोस्टिंग होती। हेलो, सलाम अलैकुम। हेलो, कौन? गुल्ला। तेरी गांव में मेरा लुल्ला। अबे पुलिस वाले को तुम तीनों में से मेरी खिस्सी की ना बताइए, सालों कहीं बैंड लाख मत चलिए मुझे। अगर तुम हम तीनों की सलवार उतार के देखो, जिसके चूतड़ सबसे ज्यादा काले होंगे ना, उसने बताई होगी। अबे इतना टाइम ना है, जल्दी बता कौन? पीपीटी का अध्यक्ष आका गुल्ला। रावलपिंडी में खड़े हो ना? हाँ। लेकिन कांड तो सियालकोट में हो चुका है। जिस मुखबर के कहने से तुम रावलपिंडी पहुंचे हो, वो मुखबर मेरा ही। काम पे जाओ। खुशामदीद गुल्ला भाई। खुशामदीद इकबाल। अब फड़ेगी गांड पे गोली, अब फंसे सही करके। डरिए मत, ये तो सेफ्टी के लिए है। जानवर वगैरह आते रहते हैं ना, तो सेफ्टी के लिए रखना पड़ता है। कैसे आना है वो इकबाल? कौन लोग हैं ये? ये बेचारे हिंदुस्तान से आए, कितने परेशान लग रहे। देखो इनकी आंखें लाल पड़ गई, मैंने तुम्हारे पास ले आया। ओह, भटके हुए लोग हैं। टेंशन नॉट, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। लेकिन मेरे दोस्त, बदले में तुमको मेरी एक हेल्प करनी होगी। हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? ये कुछ मेरा गिफ्ट है, एक मेरा दोस्त है तुम्हारे देश में, बस उसको दिल्ली एयरपोर्ट पे दे देना। कॉन्टेक्ट नंबर तुमको इकबाल बता देगा। मेरे दोस्त, बिल्कुल डरने का नहीं, गोला तुम्हारे साथ है। यहाँ से 500 मीटर दूर बॉर्डर है, वहां पर मेरे दो आदमी मिलेंगे। तुम उनको कोट बोल देना, काला काला गुल्ला गांड में लुल्ला, वो तुमको तुम्हारे देश भेज देगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुल्ला भाई, आप बहुत अच्छे इंसान हो। भगवान आपकी उम्र बहुत लंबी करे। इकबाल भाई, आपने हमारी बहुत मदद करी। ठीक है, हम चलते हैं। लेकिन ये पार्सल ध्यान से देना। ठीक है भाई। ठीक है इकबाल। जी साहब। इन दोनों को जानता है? जनाब मैं नहीं जानता। तू नहीं जानता? बता कौन है ये? बता। नहीं जानता मैं। तू नहीं जानता? बंदूक लेकर आओ, इसका भी खेल खत्म करते हैं। अरे साहब साहब, मैं जानता हूँ, बंदूक की क्या जरूरत है, मैं जानता हूँ। चलो हमारे साथ। अबे यार रिंकू, यार इसे खोल के देखो, क्या पता यार अपने काम की चीज हो। हम रख लेंगे, अब कोई हम उनका हाथ आ रहे हैं, इंडिया पहुंच जाएंगे अब तो। तू ठीक कह रिया, खोल के देखते हैं। ओहो, अब समझा हूं मैं सारा खेल। वो हमारे कंधे पे बंदूक रख के हमसे ही चलवाना चाह रहा है बहनचोद। हम हिंदुस्तानियों से धोखा, मेरे साथ चल, इसकी खाला को लेकर नटू। अब ओ गुल्ले, हमें नादान समझ रखा, हमसे हमारे देश में गद्दारी कराना चाहता है। पैंचो चला गोरिया, गिफ्ट के डिब्बे में बम पकड़ा दिया, हमारा देश हमारे हाथों से फुटवाना चाहता है। अभी इसके बच्चों को भून के रख दो। ओए पास को भी मत आ जाइयो, बम के दोनों तार घेर दूंगा, फट जाएगा बम, मैया चुट जाएगी तुम्हारी, सालों यहीं रहता फैल जाएगा। हम तो आए इस मकसद से, खुद भी मरेंगे और तुझे भी मारेंगे। बैठ के बात कर लेते ना मेरे दोस्त। बैठ के? हमारे साथ बैठेगा, इसकी सिकल है, देखिए अपनी सिकल एक बार। वाकई बैठने लायक नहीं हूँ। अपने सारे हथियार हमारे हवाले कर दो, नहीं तो बम फाड़ देंगे। ये
ये तो हुल्ला है, इसने हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारे आतंकवादी हमले कराए हैं। अरेस्ट कर लो इस कुत्ते को। हमारे मुल्क में बहुत अरसों से पीपीटी के आतंकियों ने पनाह ले रखी थी, जिन्होंने 2017 में पेशावर के एक आर्मी स्कूल को बॉम्ब से दहला दिया था। वो आतंकी बार बार पुलिस की गिरफ्त से बच के जगह जगह हमला कर रहे थे, और ये हमारे हिंदुस्तानी भाई जो पाकिस्तान में धोखे से एंटर हो गए, शायद खुदा ने ही इन जाबाजों को हमारे लिए भेजा था। इन्होंने पीपीटी के अध्यक्ष गुल्ला और उसके साथियों को पकड़वाने में हमारी मदद की। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और पूरी पाकिस्तान की आवाम भी इन हिंदुस्तानी भाइयों की शुक्रगुजार है। इन हिंदुस्तानी भाइयों को सही सलामत घर पहुँचाने का जिम्मा अब हमारा है। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, बहुत सारी कमेंट करो, कमेंट बॉक्स भर दो, और वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियो मिस ना हो। अगर आप भी ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हो तो ब्रोमो बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ ट्रेडिंग करके पैसा कमाओ। और गाइस इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है सभी चीज की। मिलते हैं बहुत जल्दी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।